तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि मध्यकालीन भारत में जिस प्रकार मोहम्मद गोरी की विजय गाथाओं का दौर चला, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद दोस्तों, आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, यानी कि आपकी जो रेलवे की, SSC की, NTPC की, RRB की जो परीक्षाएँ होती है, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। यानी कि वीडियो अंत होने के बाद हमें 5 या 6 नंबर्स की कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपके लिए टेस्ट लगाऊंगा। देखते हैं आपको कितना वीडियो समझ में आता है। वीडियो को हम डिस्कस से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी की जीवनी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, मोहम्मद गोरी है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है आपका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये जो मोहम्मद गोरी है, ये एक छोटा सा राज्य है गोर, इसकी राजगद्दी पर बैठता है दोस्तों 1173 में। ये जो गोर राज्य है, ये सबसे पहले किसके अधिकार में था? ये था दोस्तों आपका मोहम्मद गजनी के अधिकार में था, ठीक है दोस्तों। और ये 1173 में इसकी गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। 1173 में ये इसकी गद्दी पर बैठते ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण कर देता है। राजगद्दी पर बैठने के लगभग 2 साल बाद दोस्तों 1175 में ये मुल्तान के विरुद्ध इस पर आक्रमण कर देता है और मुल्तान को जीत लेता है, ठीक है दोस्तों। वहां पर राज करने के बाद ये लगभग 3 साल बाद फिर से भारत पर आक्रमण करता है 1178 में। पाटन जो एक राज्य है गुजरात का, पाटन पर ये युद्ध कर देता है। और दोस्तों, पाटन का जो शासक होता है भीम सेकंड, ये बहुत ही ताकतवर होता है उस समय। ये क्या करता है, ये मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर देता है और इस प्रकार मोहम्मद गोरी वहां से हार कर वापिस से चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन दोस्तों मोहम्मद गोरी द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध भी लड़े गए, उसका भी हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध, ये दोस्तों लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। पृथ्वीराज चौहान भी दोस्तों आपके बहुत ही बड़े योद्धा जाने जाते हैं और इनके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1191 में, ठीक है 1191 में। लेकिन दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान ये तराइन का प्रथम युद्ध जीत गए थे, इस प्रकार मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हार गया था। लेकिन दोस्तों ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इससे मोहम्मद गोरी को बहुत ही जलन हुई और इसने क्या किया कि तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि 1 साल बाद ही इसने युद्ध वापिस छेड़ दिया। तो इस प्रकार दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो लड़ाया गया था 1192 में, फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। तो इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी जीत गया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है दोस्तों। ये थे तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब दोस्तों हम चंदावार का युद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चंदावार का जो द्वितीय युद्ध है दोस्तों, ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। यह लड़ा गया था दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के विरुद्ध, जिसमें जयचंद जीत गया था, ठीक है दोस्तों। इन सारे राज्यों को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी अपने राज्यों को छोड़कर अपने जो गुलाम शासक थे, इनके पास, अपने जो जीते हुए राज्य हैं इनके पास छोड़कर ये गजनी वापस लौट गया था भारत से, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने जितने भी राज्य जीते वो जीतकर अपने जो गुलाम शासक थे उनके पास छोड़कर वापस गजनी लौट गया। तो ये दोस्तों था आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है। वहां पर लौटने के बाद दोस्तों इसकी जो मृत्यु है 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई थी। ये भी अभी तक कुछ डिस्कस नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ इतिहासकार 1205 कहते हैं तो कुछ इतिहासकार 1206 कहते हैं, लेकिन लूसेंट जो आपकी बुक है इसमें दोस्तों आपके लिए दिया गया है कि मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है
वो 15 मार्च 1206 में हो गई है। तो दोस्तों आज हमने इसका जो पूरा डिस्कस है वो कर लिया है, यानी कि इसका जो बचपन का नाम है क्या था, इसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस शासन पर किया, दूसरा आक्रमण कब किया, किसके विरुद्ध किया, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, चंदावार का युद्ध कब हुआ, और अपने जो जीते हुए राज्य हैं उनको छोड़कर वह गजनी लौट गया, और इसकी जो मृत्यु है वो कब हुई। तो इतना सारा सारांश पढ़ने के बाद दोस्तों अब हम इसकी जो शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज की, ठीक है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर लेते हैं इसकी टेस्ट सीरीज की। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है मैं लेके आया हूँ आपके लिए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो RRB, NTPC, UPSC, SSC में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि अगले आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हम पहले क्वेश्चंस के बारे में। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी को परास्त किया, यानी कि वह पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। तो वो था दोस्तों आपका भीम सेकेंड का, ठीक है। तो भीम सेकेंड ने दोस्तों क्या किया था कि मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। तो आंसर नंबर है हमारा बी, जो कि होगा हमारा दोस्तों राइट। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका UPSC में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सा शासक अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलाम शासकों के पास छोड़कर गजनी वापिस लौट गया था। तो ये दोस्तों आपका राइट क्वेश्चन है ए। ये हमने पढ़ लिया है कि यानी कि ये अपने जो जीते हुए प्रदेश है अपने शासकों के पास छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, SSC, RRB, NTPC में ये पूछा भी गया है। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि वो कौन सा राज्य था जिस पर मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था भारत पर, मुल्तान। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका CCC में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो आपका जो ऑप्शन है सी ये राइट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो फिर से लेके आऊंगा, पूरा डिस्कस, पूरा टेस्ट, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं SSC, RRB, रेलवे में, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड देखना ना भूले मेरे चैनल अनुभवित रवि के मैथ्स को।